हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। इसको हम डेटा को स्टोर करने के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिट्राइव करने के लिए यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए यूज़ में लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा है। एक्सेस 2010 एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि RDBMS है। एक रिलेशन का मतलब होता है अलग अलग टाइप के डेटा के बीच में एक सेटअप जो कि एक पावरफुल एनवायरनमेंट यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। इट कैन बी यूज टू ट्रैक शेयर एंड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस डेटा को एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है रिलेशनशिप के लिए। जो टेबल होती है वो रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है और उनको रिकॉर्ड कहा जाता है या उसे रिकॉर्ड को टपल भी कहा जाता है। रो को रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है और कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। अ टेबल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं, तो जो रोज होती हैं उसे रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है और जो कॉलम्स होती हैं उन्हें फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। एमएस एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। और हर टेबल किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करती है और जो अलग अलग टेबल्स होती हैं उनमें आपस में क्या किया जाता है, लिंक्ड किया जाता है ताकि हमारे जो रिपोर्टिंग पर्पस है उसमें हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकें। गाइडलाइंस टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के पहले हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करनी होगी। फर्स्ट है कि हमें सारी फील्ड्स जितनी भी हैं जिनकी हमें नीड है उसे आइडेंटिफाई करके उसे कलेक्ट करके रखना होगा। उसके बाद हमें परफेक्ट उसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके देन हमें ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स टेबल के अंदर उससे रिलेटेड फील्ड्स क्रिएट करनी होंगी। प्राइमरी की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। प्राइमरी की वो की होती है जो दोनों, यदि एक से ज़्यादा टेबल्स हमने क्रिएट किए तो उनमें क्या हो, कॉमन की हो, तो जो प्राइमरी की है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिलेटेड टेबल्स हैं उनमें हमें कॉमन फील्ड्स ही इंक्लूड करने होंगे। सम टेक्निकल वर्ड्स ऑफ एक्सेस। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं एक्सेस के, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डेटाबेस फाइल। डेटाबेस फाइल कौन सी फाइल होती है, जो मेन फाइल होती है डेटाबेस की जिसमें पूरा डेटा इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंट में, वो डेटाबेस फाइल कहलाती है। टेबल। टेबल एक बेसिक एलिमेंट होता है डेटाबेस का जिसमें पूरा डेटा एंटर्ड होता है। फील्ड। फील्ड एक इंडिविजुअल सेट होता है डेटा आइटम का, सेम टाइप का, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया क्लास रिकॉर्ड। इसके तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और थर्ड फील्ड है आपका मार्क्स। डेटा टाइप्स। डेटाबेस में टेबल्स होती हैं और टेबल्स किससे, मतलब डेटाबेस टेबल्स से मिलकर बनी होती हैं और टेबल्स आपकी फील्ड से बनी होती हैं और फील्ड्स में आपका सर्टेन टाइप ऑफ डेटा होता है। एग्जांपल, यदि डेटा टाइप आपका क्या है, स्टूडेंट नेम है, तो वो आपका होगा टेक्स्ट। और यदि डेटा टाइप आपका स्टूडेंट रोल नंबर है तो उसमें डेटा टाइप क्या होगा, आपका नंबर होगा यानी वो न्यूमेरिकल होगा। कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस। जब भी हम डेटाबेस फाइल क्रिएट करेंगे तो एक फाइल फॉर्मेट बॉक्स ओपन होगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। इस फाइल बॉक्स में कुछ फाइल फॉर्मेट सीन होते हैं, जैसे टेबल फर्स्ट है उसमें से टेबल। टेबल आर द डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन एमएस एक्सेस। हर टेबल के रोज होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड्स कहा जाता है और कॉलम्स होते हैं जिन्हें फील्ड्स कहा जाता है। रिकॉर्ड क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई भी डेटा है, फैक्ट्स है, वो आपका रिकॉर्ड कहलाता है। क्वेरीज। अ क्वेरी इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट्स एंड फॉर एक्शन ऑन डेटा। पे जो भी एक्शन लिया जा रहा है या फिर डेटा रिजल्ट का जो भी रिक्वेस्ट है वो आपकी क्वेरी कहलाती है। क्वेरीज इंक्लूड अपेंड, डिलीट, मेक टेबल एंड अपडेट। इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से
next to their names in the database window. A query asks a question about the data stored on our tables and return a result. मतलब जो भी हमने डेटा स्टोर किया हुआ है टेबल के अंदर उससे हम क्वेरी आस्क क्वेश्चन का आस्क कर सकते हैं इस क्वेरी में और जो रिजल्ट है डेटा शीट का वो हमें विदाउट चेंजिंग द डेटा रिटर्न कर देगा. फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होते हैं वो हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें डेटा सिंगल एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड हमें शो करेगा. रिपोर्ट्स, रिपोर्ट का मतलब होता है समराइजिंग डेटा. ये यूज होती हैं एक ओवरव्यू को हाईलाइट करने के लिए. मैक्रोज, मैक्रोज आपका एक तरह से शॉर्टकट फीचर है. इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड, कोई भी टेक्स्ट रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. तो जब भी आप उस मैक्रो को यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर यूज़र को शो हो जाएगा या उसमें यूज़ किया जाएगा. मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स आपका प्रोसीजर स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है जो कि यूनिट के फॉर्म में स्टोर होता है. ये भी मैक्रोस के सिमिलर ही होता है. डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस इन एक्सेस 2010 आर कंपोज्ड ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. टुगेदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें एंटर, स्टोर और एनालाइज करने के लिए डेटा को जिस तरह हम चाहते हैं वो अलाउ करते हैं. डेटा टाइप्स, हम अभी कुछ डेटा टाइप्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि उनका क्या काम है. फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट. टेक्स्ट में हम डिजिट्स, नंबर्स, लेटर्स, इन सब या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैक्सिमम 255 लेटर हम इंक्लूड कर सकते हैं. नंबर, नंबर्स में आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं. डेट टाइम, ये डेट और टाइम के फॉर्मेट के लिए इसमें हम डेट और टाइम मेंशन करते हैं, यस नो. इस डेटा टाइप में आपको दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती हैं. इट इज़ यूज फॉर लॉजिकल वैल्यूज़, करेंसी. ये मैथमेटिक्स और साइंस साइंटिफिक फंक्शंस में यूज़ किया जाता है. इसमें सिर्फ हम करेंसी टाइप कर सकते हैं टाइप ऑफ फील्ड्स के लिए. ऑटो नंबर, इट इज़ यूज इन ऑल न्यूमेरिक प्रोग्राम्स. ये सभी न्यूमेरिक प्रोग्राम्स में यूज़ होता है. इट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट टू अ नंबर, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है नंबर में इंक्रीमेंट दे देता है. मेमो, मेमो इज़ यूज्ड इन जहाँ पर हमने लॉन्गर टेक्स्ट एंटर किया है या फिर जहाँ पर हमें लॉन्गर टेक्स्ट एंटर करना है. ओले ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर, साउंड, वीडियोस, वर्ड, एक्सेल डॉक्यूमेंट एंड एनी अदर टाइप ऑफ फाइल्स विच आर सपोर्टेड बाय अवर सिस्टम. हाइपरलिंक, ये किस लिए लिंक, ये लिंक हाइपरलिंक ऑप्शन डेटा फंक्शन है, डेटा टाइप है वो www और ईमेल में यूज़ किया जाता है. कैलकुलेटेड, दिस टाइप डेटा, दिस डेटा टाइप अलाउ अस टू क्रिएट अ फील्ड, फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कैलकुलेशन पर बेस्ड होती है सेम टेबल की अदर फील्ड से. एडवांटेजेस ऑफ एक्सेस, सबसे पहले हमें डेटा जो टाइप है हमने फंक्शंस और डेटा टाइप और फंक्शंस पढ़े हैं वो हमें टेबल क्रिएट करने से पहले डिसाइड करने होते हैं कि किस टाइप का हमें डेटा टाइप लेना है उसमें और एंटर करना है. आगे हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे एक्सेस के. फर्स्ट है हमारा इजी इंस्टॉलेशन और वर्क. इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो मैनेज करना भी इजी होता है और इसका जो वर्क है वो भी अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की तरह ही इजी होता है. इजी टू पार्टिसिपेट, एक्सेस वर्क्स वेल विद मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेस्ड इन विंडोज लाइक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक Oracle एंड Sybase. MS Access जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड अलग अदर जो प्रोग्राम से यानी SQL सर्वर है या Oracle और Sybase है तो इन दोनों के ही नॉन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी वर्क कर सकता है इजीली पार्टिसिपेट करके और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम के साथ भी वर्क कर सकता है. पॉपुलर RDBMS, ये एक मोस्ट पॉपुलर RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इन द वर्ल्ड. सेव्स योर मनी, ये मोर इकोनॉमिकल है अदर लार्जर सिस्टम के कंपैरिजन में. कॉन्वीनियंट स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन होल्ड अप टू 2 GB ऑफ डेटा. ये 2 GB ऑफ डेटा होल्ड करके रह सकता है जो कि किसी भी लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी के लिए इनफ स्टोरेज है. मल्टी यूज़र सपोर्ट,
मोर अबाउट 10 यूजर्स इन अ नेटवर्क कैन यूज एन MS एक्सेस एप्लीकेशन। ये एक मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट है जो हमारा टाइम भी सेव करके रखता है। इम्पोर्टिंग डेटा, MS एक्सेस हमें डेटा इम्पोर्ट करने के लिए भी अलाउ करता है अदर सोर्सेज से। सिक्योर डेटाबेस, ये एक सिक्योर डेटाबेस है। स्टार्टिंग एक्सेस, अब हमें MS एक्सेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में हम MS एक्सेस 2010 पे क्लिक करेंगे। और जो अनदर शॉर्टकट है MS एक्सेस को ओपन एक्सेस इज प्रेस विंडोज़ की विद R, विंडो की में R, हम विंडो की प्लस उसको होल्ड करते हुए R की प्रेस करेंगे तो रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। रन कमांड पे हम MS एक्सेस टाइप करेंगे ब्लैंक बॉक्स पे और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MS एक्सेस का ऑप्शन आएगा, तो हम उसे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। देन हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस ओपन होगा। टेबल वन के नाम से ब्लैंक टेबल ओपन होगी डेटा शीट व्यू में। वर्किंग विद टेबल्स, डेटा शीट व्यू में भी टेबल का जो लुक है वो एक्सेल वर्कशीट की सिमिलर ही होता है। इसमें स्टोर रोज और कॉलम्स, यानी रोज मतलब रिकॉर्ड्स और कॉलम मतलब फील्ड्स के फॉर्म में ही डेटा एंटर होता है। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग टेबल, हम नई टेबल एंटर करके डेटा शीट व्यू में क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों से ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ग्रुप में जाए हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, उसमें टेबल ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद में व्यू बटन पे, उसके बाद हम टेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएटिंग टेबल एंड डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में हमें यदि टेबल क्रिएट करनी है तो हम डेटा एंटर करेंगे न्यू टेबल में बिना टेबल स्ट्रक्चर का डिफाइन किए हुए। क्रिएट टेब पर जाएंगे, टेबल ग्रुप पे जाके टेबल बटन पे क्लिक करके हम हमारे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एडिंग फील्ड्स बाय एंटरिंग डेटा, इन एवरी न्यू टेबल क्रिएटेड इन डेटा शीट व्यू एक्सेस ऑटोमेटिकली फर्स्ट फील्ड क्रिएट कर देता है जिसका नाम आईडी, कॉल्ड आईडी इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द डेटा शीट, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें वो ऑटोमेटिकली किस नाम से होता है, आईडी नाम से, और बाय डिफ़ॉल्ट यही आपकी प्राइमरी की होती है। हम नया फील्ड एड कर सकते हैं डेटा एंटर करके लिए कॉलम में क्लिक करके डेटा शीट में, और इस तरह से हम धीरे धीरे सारे ही फील्ड्स एंटर कर सकते हैं। किस तरह से हम एंटर करेंगे फील्ड्स, सबसे पहले हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, टू एड कॉलम एंटर द फर्स्ट आइटम डेटा फॉर द न्यू रिकॉर्ड, पहले हम डेटा आइटम एंटर एड कर, और डेटा टाइप जैसे ही हमने यानी हमें किस तरह से डेटा टाइप लेना है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे राइट साइड पर, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे असाइन कर देगा वैल्यू को। इस तरह से आप सिर्फ डेटा तो एंटर कर सकते हैं, हमारे जो लेफ्ट साइड पे पेंसिल आइकन है उससे हमारे डेटा चेंज होने के बाद में उसमें शो तो हो जाता है लेकिन वो सेव नहीं होता है, तो उसे सेव करने के लिए हम वो पेंसिल आइकन पर रोज इन द रो सेलेक्टर में जो पेंसिल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। कंटिन्यू हम डेटा एंटर करते जाएंगे हर सेल में, जब हमारी डेटा एंट्री फिनिश हो जाएगी फर्स्ट रिकॉर्ड की तो हम कहीं भी उसे क्लिक कर देंगे ताकि वो हमारे सेव हो सके रोम के नीचे की साइड। और आफ्टर एंटरिंग एज मेनी रिकॉर्ड्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू सेव द टेबल, और यदि हमारे रिकॉर्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे सेव करना है तो हम इस टेबल को सेव करना होगा। तो आज हमने जो पढ़ा है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। थैंक यू सो मच।